यूपी पंचायत चुनाव चार चरणों में चारों पदों का मतदान अप्रैल मई में एक साथ करवाने की तैयारी। दोस्तों एक बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल व मई के महीनों में करवाने के आसार बन रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये चुनाव चार चरणों में संपन्न करवाने की जानकारी तैयारी की है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चार पदों का मतदान एक साथ होगा। इसके लिए प्रत्येक जिले के विकास खंड चार हिस्सों में बांटे जाएंगे। फिलहाल आयोग वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम निर्धारित समय से सारणी के अनुसार निपटाने में जुटा हुआ है। बूथ लेवल ऑफिसर इन दिनों घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं। ये काम 15 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद संकलित डेटा को फीड किया जाएगा, फिर 28 दिसंबर को मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों आगे आपको बता दें उधर पंचायती राज विभाग ने अभी तक शहरी क्षेत्र में पूरी या आंशिक रूप से शामिल की जा चुकी पंचायतों का ब्यौरा अंतिम रूप में नहीं दिया है। इस आंशिक परिसीमन के समय पूरा न होने की वजह से चुनाव प्रक्रिया पिछड़ रही है। आंशिक परिसीमन में बाद ही वार्डों के नए सिरे से निर्धारण होगा और फिर आरक्षण तय किया जाएगा। इस काम में करीब 2 महीने का समय लगेगा। इस तरह से दिसंबर व जनवरी वोटर लिस्ट परिसीमन व आरक्षण निर्धारित आदि में लग जाएंगे। इसके बाद अगर चुनाव करवाया जाए तो चार चरणों में मतदान 2 महीने में लगेंगे, जिसमें फरवरी मार्च लग जाएंगे। मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने का और गेहूं की कटाई वार्षिक परीक्षाओं की वजह से भी मार्च को पंचायत चुनाव के लिए मुफीद नहीं माना जा रहा है। इस लिहाज से अब ये चुनाव अप्रैल और मई महीनों में ही करवाए जाने के आसार बन रहे हैं। आयोग अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल मतपेटियों, मतपत्रों तथा अन्य चुनाव सामग्री संजोने का काम चल रहा है। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम भी जारी है। 28 दिसंबर को वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। आंशिक परिसीमन का प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। दोस्तों आपको बता दें प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए हरे रंग का मतपत्र होगा, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के पद के उम्मीदवार के लिए सफेद रंग का मतपत्र मतदाता को मोहर लगानी होगी। इसी क्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए नीले रंग का और जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र छप रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।